अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और वो उन्होंने कुछ देर पहले पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं 18 साल पहले मैंने क्रिकेट का कैरियर शुरू किया और मैं खुद ही अनाउंसमेंट कर रहा हूँ अपनी रिटायरमेंट की। और वो ये भी बोल रहे थे कि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं उसमें भी रिटायरमेंट ले सकता था, पर मैंने अभी खुद ये फ़ैसला किया और मुझे किसी की फेवर की ज़रूरत नहीं है। और हफीज़ ये बोल रहे थे कि मैंने जितना भी खेला है मुल्क के लिए खेला है, पैसे के लिए नहीं खेला। तो उन्होंने आज रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और यही वजूहत थी। वो ये कह रहे थे कि मैं फ़िज़िकली फ़िट भी हूँ पर मैंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, तो मैं अब पाकिस्तानी टीम की तरफ से नहीं खेलूँगा। PSL के मैचेस वो खेलेंगे और दूसरी लीग भी खेलेंगे, और पाकिस्तानी टीम की तरफ से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया आज कुछ देर पहले PCB की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।